Asalaamu as Alaikum guys, I hope you are doing fine. Now we are gonna uh, we come with our next Greek philosopher of the Greek period, Imperial Cell. Imperial Cell born at the year of uh, 495 BC, nationality ski Greek, he died at the age of 60, born in Acragas, Sicily, or famous hai he as a philosopher, died on 430 BC. एंड प्लेस ऑफ डेथ जो इसकी माउंट इथनेस इसली ये बहुत इंटरेस्टिंग फिलोसफर है और बिलीव मी आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए इसकी बहुत इंटरेस्टिंग सी फिलोसफीज़ हैं और आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा अब हम फॉर एलिमेंट्स की बात करते हैं जिस तरह थेल्स ने सबसे पहले कहा के एलिमेंट जो है एक प्राइमरी एलिमेंट है जो कि फिसेज है और वो वाटर है उसके बाद फिर नेक्स्ट फिलोसोफर ने कहा कि वो एयर है उसके बाद फिर नेक्स्ट फिलोसोफर हेरकलेटिस ने कहा कि वो फायर है उसके बाद फिर ये कहते हैं कि वो एक एलिमेंट है ही नहीं वो चार एलिमेंट्स हैं वाटर एयर फायर अर्थ अब ये चार एलिमेंट्स आपने याद रखने हैं हम वापस आएंगे इसका नेक्स्ट कॉस्मिक ऑफ लाइफ को डिस्कस करने के बाद फिर हम इसको अच्छे से समझेंगे उसके बाद इसका फेमस और सबसे दिलचस्प और इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट था कॉस्मिक सर्कल कॉस्मिक सर्कल ने इसने कहा था कि दो एनर्जीज हैं एक लव और एक स्ट्रिफ सबसे पहले इस दुनिया में सिर्फ लव एग्जिस्ट करता था एक सर्कल था एक होल था और इस सर्कल में सिर्फ लव एग्जिस्ट करता था जो उसने हर चीज़ को आपस में अट्रैक्ट करके रखा था पीछे जो हमने फोर एलिमेंट्स पढ़ी हैं इसने उन लोगों को भी आपस में अट्रैक्ट करके रखा था वो एलिमेंट्स एक थे लव की वजह से क्यों क्योंकि लव ने उनको कंबाइन किया था लव एक कंबाइनिंग फोर्स है अट्रैक्टिव फ़ोर्स है जो आपस में अट्रैक्ट करके चीज़ों को कंबाइन कर देती है और उसके बाद फिर उस लव उस सर्कल ऑफ़ लव में आ गया स्ट्रिफ स्ट्रिफ बहुत स्ट्रॉन्ग एक फोर्स थी जब वो आई तो उसने क्या किया उसने लव के कम जो से एलिमेंट्स लव ने जो अट्रैक्ट करके रखे थे कंबाइन करके रखे थे उसने उन लोगों को अलहदा करना शुरू कर दिया उसने तोड़ना शुरू कर दिया क्योंकि स्ट्रिफ जो सी वो ऐसी फोर्स थी जो कि चीज़ों को अलग डिकम्पोज कर देती थी फॉलो पार्ट कर देती थी अलग अलग कर देती थी खत्म कर देती थी तो फिर आगे फिर ये एम्पिशल कहता है कि फिर जब स्ट्रिफ आई तो ये फोर कंपाउंड्स डिवाइड हो गए फिर लव और स्ट्रिफ के आपस में स्ट्रगल जारी रही और इस लव और स्ट्रिफ की स्ट्रगल में ही फिर ह्यूमन जो ह्यूमन बींग जो से, से है वो क्रिएट होना शुरू हुए अब वो कहते हैं कि ह्यूमन बींग जो से हैं उनकी क्रिएशन जो सी है वो लव फोर्स की वजह से है लव फोर्स ने ह्यूमन के जिनसे पार्ट्स थे उसको आपस में अट्रैक्ट किया और जब पहला ह्यूमन uh, कोई भी मतलब कि पहला कोई भी ऑर्गेनिज्म बना उस वो ऑर्गेनिज्म की बात करता है पहला जब कोई भी ऑर्गेनिज्म बना तो वो ऐसा था कि उसकी बॉडी फिश की थी उसके लिम्स जो से थे वो थे उसके मुँह uh, जो से था वो बुल्स uh, का था मतलब कि वो गाय का और उसके हाथ तीन चार थे इस तरह वो कहते हैं फिर इस तरह ऑर्गेनिजम्स लव जोन सा था वो ऐसे ही अट्रैक्ट करी जाता था जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाते थे इन्वायरमेंट में और फिर वो ख़त्म हो जाते थे फिर जिस तरह एनेग्जीमेंडर कहता है कि ह्यूमंस जो से हैं वो एक प्रोग्रेसिव फॉर्म है एनिमल्स की प्रोग्रेसिव फॉर्म में एनिमल्स की इसी तरह फिर ये कहता है कि फिर एनिमल्स जोन से थे वो इवॉल्व होते होते एक प्रोग्रेसिव और अरेंज फॉर्म में आ गए उसके बाद फिर ये लव और स्ट्रिफ में ये भी कहता है कि अगर सिर्फ लव होता हर तो हम ये सर्कल जो है ये एक ब्लैक होल बन जाता जो हर चीज़ को आपस में अट्रैक्ट करी जाता और अगर ये सिर्फ स्ट्रिफ होता तो ये एक डिस्ट्रक्टिव सर्कल बन जाता जो हर चीज़ तबाह करी जाता लेकिन ये लव और स्ट्रिफ के मुसलसल स्ट्रगल करने वाला एक ऐसा सर्कल है जिसकी वजह से हर चीज़ जो होती है वो एक हर चीज़ जो सी है वो एक कांस्टेंट में है कांस्टेंट में है कोई भी चीज़ जो वो ज़्यादा जो सी है कोई भी एनर्जी जो सी है वो ज़्यादा हैवी नहीं होती हर चीज़ जो सी है वो बैलेंस्ड है लव और स्ट्रिफ की स्ट्रगल की वजह से उसके बाद फिर इसने ये कहा कि लव की वजह मतलब कि जिस तरह स्ट्रिफ की वजह से सारे एलिमेंट्स जो से सेपरेट हो गए तो फिर लव की वजह से जो सा वाटर था लिक्विड इन आर बॉडी बन गया एयर जो सा था ब्रेथ फॉर लाइफ बन गई फायर जो सी थी वो रीजनिंग एबिलिटी बन गई हमारी और अर्थ जोन सा था वो सॉलिड पार्ट ऑफ आर बॉडी बन गया फिर इसने ये जो से फोर एलिमेंट्स थे इनको बॉडी पार्ट्स में ऐसे डिस्क्राइब किया था अगर आपका इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कर दीजिए और जैसे कि इसने अभी डिस्क्राइब किया हो गया प्योर डिमेन ऑफ स्ट्रिफ एक साइड पे है राइट right साइड पे है और प्योर डि ऑफ लव एंड हारमोनी जोन सी है वो लेफ्ट साइड पे है उसके बाद कांस्टेंट बिटवीन लव एंड स्ट्रिफ और कांस्टेंट बिटवीन लव एंड स्ट्रिफ uh, अब जोन सी लव और हारमोनी वाली साइड में भी कोई लाइफ नहीं थी जब uh, प्योर डिमैन ऑफ स्ट्रिफ uh, थी तब भी कोई uh, uh, मतलब के लाइफ प्रेजेंट नहीं थी लेकिन जब कॉन्टेंशन बिटवीन लव एंड स्ट्रिफ पैदा हुआ जब कॉन्टेशन बिटवीन कॉन्टेंशन बिटवीन लव एंड स्ट्रिफ आया तो फिर लाइफ भी आई और वो कैसे आई वो भी मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रिफ जो उन चीज़ों को डिकम्पोज कर देता है फॉलो अपार्ट कर देता है अलग अलग कर देता है और uh, लव जो सब लोगों चीज़ों को कंबाइन करता है अट्रैक्ट करता है उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इसकी फेमस थ्योरी थी अब ये कन्वर्जेशन ऑफ़ एनर्जी में ये ये कहता है कि ये जैसे कि हम लोगों ने मॉडर्न लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ़ एनर्जी पढ़ा था ये बिल्कुल वैसा ही है उसमें ये कहता है कि एनर्जी ना बनती है ना ख़त्म होती है एनर्जी बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रैवल करती रहती है एनर्जी कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स बट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड फ्राम वट डज़ नॉट एग्जिस्ट नथिंग कैन कम इन टू बींग अनअकम्लिश्ड कि कुछ भी खुद ब खुद नहीं आ जाता बल्कि जैसे कि अगर मैं कुछ मेहनत करके कुछ कर रही हूँ तो उसमें मेरी एनर्जी लगी है और वो चीज़ हुई है अगर कोई कार है मैं उस उस कार को धक्का लगा रही हूँ तो मेरी एनर्जी जो उन थी उस कार में गई है वो वो कार जो सी वो अपनी एनर्जी से चल रही है फिर वो कार जो सी उसकी एनर्जी जो सी है वो आगे मतलब ट्रांसफर करिए हवा में फ्रिक्शन के फॉर्म में इस तरह वो कहते हैं कि एक एनर्जी दूसरी फॉर्म में आती है कुछ खुद ब खुद नहीं बनता ना ख़त्म होता है बस इनर्जीज ट्रेवल करती हैं और उस एनर्जी के ट्रेवलेशन में चीज़ें होती हैं उसके बाद ही ऑल्सो ऑफर्ड अ थ्योरी ऑफ इवेलुएशन इसने थ्योरी ऑफ इवेलुएशन भी की थी डैट वॉज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन द वन प्रीवियसली सजेस्टेड बाई Ana Anaximander जैसे कि मैंने आपको बताया Anaximander ने तो सिर्फ यही कहा था कि ऑप्शन से मतलब कि सबसे पहले मखलूक जोन सी थी वो मछ मछली थी और ह्यूमन जोन से वो प्रोग्रेसिव फॉर्म है एनिमल्स के लेकिन मैंने आपको बताया कि इसकी किस तरह की परसैप्शन थी कि इसने ये भी कहा कि अच्छा इस तरह इस तरह मखलूकें बनी ख़त्म हुई और क्या क्या हुआ तो इसकी ज़रा अगर हम थ्यूरी ऑफेल्यूशन देखें तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी जो हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है जब हमने कॉस्मिक थ्योरी पढ़ी है कॉस्मिक सर्कल की उसके बाद इसकी नेक्स्ट थ्योरी थी थ्योरी ऑफ परसेप्शन अब थ्योरी ऑफ परसेप्शन में ये कहता है कि फर्स्ट फलॉफ ये वैसे फर्स्ट फिलोसोफर था जिसने परसेप्शन की थ्योरी दी थी और ईच फोर एलिमेंट्स इज फाउंड इन द ब्लड उसके बाद ये कहता है कि जो से चार एलिमेंट्स मैंने पीछे तुम लोगों को दिए थे मतलब कि फायर अर्थ एयर वाटर वो चारों के चारों ब्लड में होती हैं फिर ऑब्जेक्ट्स इन द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रो ऑफ टैनी कॉपीज ऑफ देमसेल्स अब हम कुछ भी देख रहे हैं ना तो वो अपनी छोटी सी कॉपी uh, मतलब छोटा सा कोई भी अक्स या फिर अपना व्यू हमारे बॉडी पे फेंक देता था हमारे ऊपर फेंक देता था ऑब्जेक्ट फिर इन द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रो ऑफ टेन कॉपीज ऑफ दैमसेल्स वो छो छोटी छोटी सी कॉपीज अपनी फेंक देते थे जिसको हम कहते हैं अमेनीटि इमेनेशंस और इडोला इमैनेशंस और इडोला जो से हैं दे एंटर्स द बॉडी थ्रू द पोर्स ऑफ द बॉडी जिस तरह हमारी बॉडी के पोर्स हैं वो उनके थ्रू हमारी बॉडी में एंटर होते थे लाइक ट्रक्स लाइक उसने फिर कहा कि जैसे कि लाइक ट्रक्स लाइक है तो फिर क्योंकि हमारी बॉडी में वो चारों एलिमेंट्स पहले से हैं और उसके बाद जब हमने कोई जो सा आउटसाइड वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट था उसने जब अपना कोई भी एलिमेंट कोई भी टैनिंग कॉपी जब हमारे पे अंदर फेंकी हमारे पोर्ट्स के अंदर हमारे जिसम के पोर्ट्स के जरिए वो हमारे बॉडी में एंटर हो गए तो जो हमारे फोर एलिमेंट्स हमारे बॉडी में थे उसने लाइक अट्रैक्ट्स लाइक उससे तो उस चीज़ को अट्रैक्ट किया द फ्यूजन ऑफ एक्सटर्नल एलिमेंट्स विद इंटरनल एलिमेंट्स रिजल्ट इन परसेप्शन और जब एक्सटर्नल एलिमेंट्स की फ्यूजन होती है जो कि हमारी बॉडी में एंटर हुई है उसकी इंटरनल एलिमेंट्स के साथ तो इस तरह हमारी एक परसेप्शन हमारा एक ख्याल उस चीज़ के बारे में पैदा हो जाता है कि ये ये चीज़ है अच्छा तो अब थ्योरी ऑफ परसेप्शन के बाद हम सेल की डेथ के बारे में देखते हैं इसकी डेथ हुई थी कि इसने वो में छलांग लगा दी थी इसको ये था कि इसको इसको अपने ऊपर ये करूर था कि मुझे तो सारे इल्म है मुझे हर चीज़ का तख्लीक और आखिर पता है तो मेरे पास हर सवाल का जवाब है तो मैं तो हर चीज़ को बहुत अच्छे से जान भी गया हूँ इट्स मीन के मैं खुदा हूँ मुझे सब कुछ पता है तो इसने फिर अपना इसने वाल में इसलिए छलांग लगा दी थी इसका ये कहना था कि मरने के बाद मैं दोबारा ज़िंदा हूँ और जब मैं दोबारा ज़िंदा हूँ तो मैं खुदा ही शक्ल में अपनी खुदा ही शक्ल में ज़िंदा हूँ तो इसलिए इसने वाल में छलांग लगा दी थी लेकिन उसके बाद फिर कुछ भी नहीं हुआ ये वापस नहीं आया था और ये बस मर ही गया था इसकी बॉडी भी नहीं मिली थी कुछ भी नहीं हुआ था तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप इस सफ़र को जारी रखना चाहते हैं तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और आई होप यू लाइक दिस वीडियो और अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट कर दीजिए अल्लाह हाफिज़